नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की फ्रेश वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल ओशन के अंदर जो आपका डोमेन कनेक्ट है, इसका सब डोमेन बनाकर गूगल ब्लॉगर के साथ किस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो, तो ये सब के बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं डेफिनेशन की कि आज के वीडियो के अंदर मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ। अब देखिए, मेरे पास बहुत ही सारे क्वेरी आ चुके हैं इसके रिलेटेड कि सर, अगर हमारा वेबसाइट जो हमने डिजिटल ओशन के अंदर होस्ट करके रखा है और हमारा डोमेन गोडेडी के अंदर है, तो इसका सब डोमेन हम किस तरह से बना सकते हैं और सब डोमेन बनाने के बाद यह सब डोमेन को हम गूगल ब्लॉगर के साथ किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ही सारे लोग यहाँ पर कन्फ्यूज हैं कि गोडेडी के अंदर एक बार आप नेम सर्वर चेंज करते हो तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का ऑप्शन नहीं आता कि आप सब डोमेन बनाओ वगैरह, तो यहाँ पर सभी लोगों को कन्फ्यूजन है। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया, आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि गोडेडी के अंदर जो आपका डोमेन है और आपने डिजिटल ओशन के अंदर होस्ट करके रखा है तो इसके अंदर किस तरह से आप सब डोमेन ऐड कर सकते हो, यही सब डोमेन को किस तरह से आप गूगल ब्लॉगर के साथ कनेक्ट करके आसानी से आप अपना एक ब्लॉगर का ब्लॉग बना सकते हो। अब देखिए, अगर आप किसी भी डोमेन का नेम सर्वर चेंज करते हो, इसका मतलब कि यहाँ पर से आप किसी भी प्रकार का सेटिंग या तो रिकॉर्ड वगैरह ऐड नहीं कर सकते, तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल, इसको हम यहाँ पर से क्लोज कर देते हैं। अब देखिए, ये जो BM Tech Tips वेबसाइट है वो डिजिटल ओशन के अंदर ओरिजिनली होस्ट है, यहाँ पर आपको वेबसाइट दिखाई देगा। अब हमें ऐसा करना है कि हमें एक सेपरेटली ब्लॉग बनाना है जो कि हम गूगल ब्लॉगर का यूज़ करेंगे। जैसे कि कोई भी यूज़र अगर यहाँ पर ऐसा लिखेगा blog.bmtechtips.com तो गूगल ब्लॉगर का ब्लॉग ओपन होना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद पब्लिशिंग के अंदर ब्लॉग एड्रेस, इसके नीचे लिखा होगा सेटअप थर्ड पार्टी यूआरएल। सिंपल इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसके बाद जो भी आपने आपका सबडोमेन डिसाइड किया है वो यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, इसकी blog.bmtechtips.com, और सिंपल आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सेव बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एरर आएगा और सिंपल यहाँ पर आपको दो रिकॉर्ड ऐड करने हैं आपके डिजिटल ओशन के अकाउंट के अंदर। तो सिंपल सबसे पहला रिकॉर्ड है, इसका नाम है ब्लॉग, तो आपको आपका डेस्टिनेशन यहाँ से कॉपी करना है, आपको जाना डिजिटल ओशन के अकाउंट में। सीनेम रिकॉर्ड ऐड करना है, होस्ट के अंदर आपको लिखना है आपका ब्लॉग, इसके बाद आपको एलियास के अंदर जो भी आपने यूआरएल कॉपी की है गूगल ब्लॉगर से वो पेस्ट करना है, और इसके बाद आपको क्रिएट रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है। सेम वे में आपको आपका डोमेन वेरीफाई करने के लिए आपको दूसरा सीनेम रिकॉर्ड ऐड करना है, सेम वे में सीनेम रिकॉर्ड, इसके बाद होस्ट नेम यहाँ पर जो दिया है वो, और इसके बाद जो आपका एलियास है वो आपको यहाँ पर से कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। सिंपल आप क्रिएट रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर सक्सेसफुली हमने दो रिकॉर्ड ऐड कर दिए हैं। दो रिकॉर्ड ऐड करने के बाद सिंपल आपको थोड़ी देर वेट करना है, वेट करने के बाद आपका डोमेन सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम जो ट्राई करेंगे फिर से सेम सब डोमेन को गूगल ब्लॉगर के साथ कनेक्ट करने के लिए, तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और थोड़ी देर वेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ी देर वेट कर लिया है, अब हम ट्राई करते हैं कि क्या हमारा सब डोमेन हमारे ब्लॉगर के साथ कनेक्ट होता है या नहीं। तो यहाँ पर सेटअप थर्ड पार्टी यूआरएल, हम यहाँ पर हमारा डोमेन पेस्ट करेंगे और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अभी भी ये डोमेन कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो हमने वेट भी कर लिया लेकिन डोमेन कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो सिंपल यहाँ पर देखिए कॉन्सोल के आगे लिखा है हियर, इसके बाद इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने इस प्रकार का एक विंडो ओपन होगा, इसके अंदर आपको यूजिंग TXT रिकॉर्ड आपका डोमेन वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट योर डोमेन रजिस्टर प्रोवाइडर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है अदर, क्योंकि आपका डोमेन गोडेडी के अंदर है लेकिन अभी डिजिटल ओशन के अंदर आपने होस्ट करके रखा है। इसके बाद यहाँ पर से आपको ये TXT रिकॉर्ड की वैल्यू कॉपी करनी है, आपको जाना आपके डिजिटल ओशन के अकाउंट में। इस बार यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है TXT रिकॉर्ड, सिंपल यहाँ पर देखिए वैल्यू के अंदर आपको जो आपकी वैल्यू पेस्ट करनी है, और इसके बाद आपको होस्ट नेम के अंदर लिखना है @, और सिंपल आपको क्रिएट रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है। तो एक TXT रिकॉर्ड आपके डोमेन के अंदर सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। अब इसकी मदद से आपका डोमेन वेरीफाई होगा गूगल के अंदर। रिकॉर्ड ऐड करने के बाद आपको जाना है सिंपल यहाँ पर वेरिफिकेशन मेथड का जो पेज ओपन है वहाँ पर, और सिंपल आपको वेरीफाई बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका डोमेन सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद सिंपल आप इस विंडो को क्लोज कर दीजिए, आपके जो ब्लॉगर के अंदर जाए, सिंपल एक बार फिर से आप अपने जो कंप्लीट ब्लॉगर का जो डैशबोर्ड है इसको रिफ्रेश करके आपको सेटिंग में जाना है,
सेटिंग में जाने के बाद आपको सिंपल सेटअप थर्ड पार्टी यूआरएल पे क्लिक करना है और आपका जो सब डोमेन है वो यहाँ पर आपको पेस्ट करना है और सिंपल आपको सेव ऊपर क्लिक करना है। तो जो आपका सब डोमेन है वो सक्सेसफुली आपके ब्लॉगर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है। वेट करने के बाद आपका जो ये पुराना यूआरएल था ब्लॉगर का वो ऑटोमेटिकली आपके न्यू यूआरएल यानी कि blog.bm टैग टिप्स के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर देखिए HTTPS enable है, इसको यहाँ पर हम temporary disable करते हैं क्योंकि अभी हमें HTTPS नहीं चाहिए। HTTPS की वजह से आपका जो डोमेन है वो कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर सिंपल आपको दिखाने के लिए मैंने इसे डिसेबल कर दिया है। अब यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट करते हैं और वेट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या हमारा सब डोमेन हमारे ब्लॉगर के साथ कनेक्ट हुआ या नहीं। तो सिंपल यहाँ पर हम ब्लॉगर के डैशबोर्ड को एक बार रिफ्रेश करके थोड़ी देर वेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ी देर वेट कर लिया। इसके बाद सिंपल अब हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड को एक बार रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद व्यू ब्लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम व्यू ब्लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि हमारा जो ब्लॉक है यानी कि blog.bm टैग टिप्स के ऊपर सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अगर आप इस यूआर को कॉपी करके दूसरे ब्राउजर के अंदर प्राइवेट विंडो के अंदर ट्राई करोगे तो ये परफेक्टली वर्किंग मोड में होगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, एंटर प्रेस करना है आपको सिंपल। तो जो आपका ब्लॉग है वो आपके सब डोमेन के साथ ओपन होगा। इसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, आपको आपके ब्लॉगर के सेटिंग में जाके जो इसका HTTPS का सेटिंग है इसको एनेबल कर देना है। तो इसके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना कि आपका डोमेन कनेक्ट नहीं हो ऐसा। जस्ट आपको वेट करना है थोड़ी देर। जैसा आपका HTTPS अवेलेबल हो जाता है तो आपका डोमेन सक्सेसफुली आपके ब्लॉग तो आपका सब डोमेन सक्सेसफुली आपके ब्लॉगर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो बस आपको यही करना है। अगर आपका डोमेन GoDaddy के अंदर है, आपने डिजिटल ओशन के अंदर, और आपको इसका सब डोमेन बनाकर ब्लॉगर के साथ कनेक्ट करना है तो सिंपल आपको यही प्रोसेस फॉलो करने हैं। तो बस दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथों साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे। थैंक